कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। 12 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 2:45 से अमावस्या तिथि शुरू होगी व 13 नवंबर 2023 सोमवार को दोपहर 2:57 पर होगी। रात्रि व्यापिनी अमावस्या 12 नवंबर 2023 रविवार को ही रहेगी। इस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। सुबह 7:30 से दोपहर 12 चर लाभ अमृत का चौघड़िया रहेगा। दोपहर 1:30 से 3 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। वृषभ लग्न 5:49 से 7:48 तक रहेगा। शाम 6:00 से 10:30 तक शुभ अमृत और चर का चौघड़िया रहेगा। इस साल दिवाली का महापर्व 12 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत दीपोत्सव के साथ किया गया था। सनातन धर्म में कार्तिक अमावस्या का दिन बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पिछले और वर्तमान जन्म के पाप से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन दीपावली मनाई जाती है। लक्ष्मी पूजा के साथ ही पितरों के लिए धूप ध्यान और श्राद्ध कर्म करने का पर्व है। इस साल कार्तिक अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:56 से 5:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:27 तक रहेगा। कार्तिक माह की सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ दान पुण्य मंत्र जाप के साथ ही ध्यान भी किया जाए तो नकारात्मक विचार दूर हो सकते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत कर गंगा स्नान करती हैं। मान्यता है इससे पति की लंबी आयु होती है। इस दिन पितरों के लिए धूप ध्यान श्राद्ध और दान पुण्य करना चाहिए। भोजन कराकर वस्त्र दान करना चाहिए। शाम के समय पितरों को विदाई होती है, उस समय घर में और घर के बाहर दीपों की रोशनी करें ताकि पूर्वज को अपने लोक लौटने में परेशानी ना हो। कार्तिक माह पुण्यदायक है, ऐसे में कार्तिक सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से हर तरह के रोग शोक और दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन खास तौर से ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। भविष्य पद्म और मत्स्य पुराण के मुताबिक इस दिन दीप दान के साथ ही अन्न और वस्त्र दान भी करना चाहिए। कार्तिक महीने की अमावस्या पर किया गया हर तरह का दान अक्षय फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद सूर्यदेव और सूर्यदेव को अर्घ दें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। फिर शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र धतूरा पुष्प आदि अर्पित करें। शिव पूजा के बाद पीपल तुलसी वट आंवला आदि पेड़ लगाएं और साथ ही इन पेड़ों का पूजन भी करें। इनमें से किसी भी एक पेड़ की पूजा एवं परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या पर सप्तधान्य का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे नवग्रह शांति होती है और कृपा बरसती है। दीपावली के दिन अमावस्या के दिन कोई ग्रहण नहीं लग रहा है तो आप लक्ष्मी पूजन आराम से कर सकते हैं और किसी अफवाह की बातों में बिल्कुल भी ना आएं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।